एक राजा रानी दुकान वाले ने आज हमारे पत्रकार साथ मारपीट की, एक नहीं दो नहीं तीन तीन जनों ने मारपीट की, और उससे पहले एक मनोज प्रसाद को भी उसकी गाली गलौज दी, वीडियो नहीं बना दिया पत्रकार को, अब इनके ऊपर पुलिस कार्रवाई करने का। हम औरंगाबाद में लॉकडाउन के चलते कपड़े की दुकानें, जूते की दुकानें और बाजार बंद रखे गए हैं, लेकिन कुछ लालचखोर व्यापारी पैसों के लालच में लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं, चोरी छुपे दुकान चला रहे हैं। औरंगाबाद में सिटी चौक के दुकानदार फैला रहे कोरोना, पुलिस की आंखों में धूल झोंककर दुकान खोलकर कर रहे कारोबार। सिटी चौक मेन रोड पर राजा रानी बच्चों की कपड़ों की दुकान है ये दुकान, और इन जैसे कई दुकानें बाहर से तो भले ही बंद दिखाई देती है, लेकिन दुकान के बंद शटर के पीछे भीड़ जमा की जा रही है, कारोबार किया जा रहा है, जिससे लॉकडाउन का उल्लंघन हो ही रहा। साथ ही राजा रानी के मालिक उस्मान यूनुस ने दुकान खोलकर गर्दी जमा करके लोगों की जान को खतरे में डाली है, जबकि उस्मान यूनुस कोई गरीब आदमी नहीं है, लाखों की पूंजी जमा है, पैसे के लालच में लोगों की जान को खतरे में डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पैसे की लालच कम नहीं हुई और पैसा कमाने की हवस के चलते लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। दूसरी ओर आज राजा रानी के मालक और इनके साथियों ने दो पत्रकारों पर हमला भी किया, जिसमें सांझवार्ता के पत्रकार है और दूसरे एमसीएन समाचार के। सिटी चौक पुलिस में राजा रानी के मालक उस्मान यूनुस और अन्य तीन के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, फिलहाल आरोपी फरार है। औरंगाबाद पुलिस आयुक्त ने इस ओर ध्यान देकर दुकानदारों पर कार्रवाई करना चाहिए। आज सिटी चौक में दो पत्रकार शूटिंग कर रहे थे हमारे, एक एमसीएम के एहतेशाम कैमरामैन लोगों की और रोड की शूटिंग कर रहे थे, पब्लिक काफ़ी थी रोड के ऊपर और पुलिस बंदोबस्त भी अच्छा था, तो हमारे एक एहतेशाम भाई के ऊपर एक दुकानदार ने हमला करा, पहले दुकान मालक ने हमला करा कि बाप शूटिंग क्यों कर रहे हो बोल के, हालांकि दुकान में से ग्राहक निकल रहे थे, तो ग्राहक निकलते हुए भी हमारे कैमरामैन ने कैमरे में खरीद नहीं करे। उसके बाद में उनके दुकानदार के तीन बच्चे और टोटल यानी कि चार लोगों ने आके हमारे कैमरामैन के ऊपर हमला करा और मारा भी फड़ाफड़ और गाली दी, अरे तुरी बोली गैर गलौज बोलने के बाद में इनके ऊपर हमला करे। हमला करने के बाद में इन्होंने आए सिटी चौक पुलिस चौकी में कंप्लेन तकरार देने के लिए, अभी हम सिटी चौक पुलिस चौकी में इनकी तकरार कर रहे हैं, इनके ऊपर गुनाह दाखिल करा रहे हैं, और आज के बाद कोई भी पत्रकार के ऊपर कोई भी दुकानदार ऐसी हरकत ना करे। हम ये प्रशासन से और पुलिस से गुहार करते हैं कि आइंदा से कोई पत्रकार के ऊपर हमला ना हो। आज दो पत्रकार के ऊपर हमला हुआ, हमारे मनोज प्रसाद जो है सांझ वार्ता के उनके ऊपर और एमसीएन के जो कैमरामैन रहते शाम इनके ऊपर भी, और हम चाहते हैं कि पुलिस इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, और जो दुकानदार अगर खोल रहे तो उनके ऊपर दुकानदार के ऊपर भी पुलिस भी कार्रवाई से कार्रवाई करे, जो आज तक पुलिस ने छूट दी थी और उनके ऊपर जो कार्रवाई कर रही थी, लेकिन इन दुकानदारों को समझ में नहीं आ रहा था, और हमने भी पत्रकार ने भी हमने नज़रअंदाज करे थे कि दुकानदार जो दुकानदार दुकान कर रहे हैं ग्राहकों को अंदर ले रहे हैं, हमने भी न्यूज़ नहीं बनाई थी, लेकिन न्यूज़ हम जो बना रहे थे पब्लिक की रोड की तो हमें वो बनाने नहीं दिया, उसके ऊपर भी अड़थड़ा किया। कैमरामैन एहतेशाम के साथ जर्नलिस्ट ज़ुबैर रहमान, एमसीएन समाचार, औरंगाबाद।